Dear students, welcome again in the lecture series on periodic properties. आपका फिर से स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट मेथड इज द बॉर्न-हैबर साइकिल. वो मेथड क्या है? बॉर्न-हैबर साइकिल. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज ऑल्सो यूजफुल इन आयनिक सॉलिड्स ऑल्सो. सो इट आई थिंक इट विल कवर योर फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट एज वेल एज वेयर यू स्टडी अबाउट दिस सॉलिड्स. ओके, आई थिंक इट विल ऑल्सो कवर योर आयनिक सॉलिड्स, वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर आयनिक सॉलिड्स वेयर यू हैव टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी, जहां पर आपको लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा निकालनी होती है. और यहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट करते हैं. तो आपको याद रखना है बॉर्न-हैबर साइकिल एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है. तो बॉर्न-हैबर साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताना चाहूंगी कि अगर हम किसी आयनिक सॉलिड को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो वो किस किस तरीके से वो सिंथेसाइज हो सकता है. देखिए, मैं NaCl के फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं. सो इफ वी टेक सोडियम, सोडियम की जो फिजिकल स्टेट होती है, सोडियम क्या एक मेटल है, तो वो सॉलिड स्टेट होती है. ओके, और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से, क्लोरीन क्या है? गैस. तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है नॉर्मली, जो उनकी होती है, जो एग्जिस्ट होती है, तो वो अपनी ही फिजिकल स्टेट में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएगा NaCl. NaCl कैसा होगा? सॉलिड. और NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है, यानी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है. ओके, तो N, ये आपको क्लियर हो गया होगा. हम NaCl को बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. तो यहां पर मैंने जो सिंथेसाइज करने की कोशिश की है वो NaCl सॉलिड को सोडियम की जो उसकी स्टेट होती है उसी में उसे लिया, और जो क्लोरीन की स्टेट होती है उसी स्टेट में उसे लिया. तो अपनी अपनी फिजिकल स्टेट में व्हेन दे रिएक्ट टू फॉर्म एन आयनिक सॉलिड देन सम एनर्जी मे इवॉल्व और मे बी एब्सॉर्ब्ड. तो इस रिएक्शन में क्या हो सकता है कि कुछ एनर्जी या तो इवॉल्व हो सकती है या एब्सॉर्ब हो सकती है, और उस एनर्जी चेंज को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. आप जानते ही होंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि जब हम एक मोल एक सॉलिड को बना रहे हैं उसी के कंस्टिट्यूएंट से उन्हीं की फिजिकल स्टेट में, तो कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है. इसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, तो एक तरीका तो यह है NaCl को बनाने का. अब हम दूसरा तरीका देखेंगे. अब हम एक तरीका और है हम कैसे कर सकते हैं. देखिए, इस Na को हम Na गैस में कन्वर्ट करते हैं. Na सॉलिड को अगर हम Na गैसियस एटम में कन्वर्ट कर पाए तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना. तो यहां पर हमें क्या होती है? एनर्जी देनी पड़ती है. ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, जिसे मैंने S से दिखाया है. दूसरा स्टेप हम क्या देखेंगे कि इस सोडियम गैसियस एटम को अगर हम सोडियम गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो आप जानते हैं इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन. ये क्या है? आयनाइजेशन हो रहा है. आपने पढ़ा था कि ये गैसियस एटम को एक गैसियस कैटायन में अगर हम बदलते हैं तो यहां पर एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है यहां पर. ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर सोडियम सॉलिड को सोडियम केटायन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमें दो एनर्जी देनी पड़ रही है, एक है सब्लिमेशन एनर्जी और एक है आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम इस क्लोरीन गैस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्लोरीन गैसियस एटम में। ओके, क्लोरीन गैसियस एटम में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। ये क्या हो रहा है बच्चों, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन यानी एक जो Cl2 बॉन्ड है वो टूट रहा है। तो अगर Cl2 डिसोसिएट होता 2Cl गैसियस एटम में तो यहां पर कितनी डिसोसिएशन एनर्जी यूज होती, डी। इसको हमने डिसोसिएशन एनर्जी से यूज किया है। अगर हाफ Cl2 डिसोसिएट होगा तो कितने Cl बनाएगा, एक Cl, तो कितनी एनर्जी होगी, हाफ डी। तो कितनी डिसोसिएशन एनर्जी यूज होगी, हाफ डी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो है हाफ डी। ओके, तो यहां पर एक डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो देनी पड़ेगी इस Cl2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। क्लोराइड आयन में जो कन्वर्जन है ये क्या है बच्चों, ये जो कन्वर्जन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, एक क्लोरीन गैसियस जो एटम है वो एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और जब हम इस गैसियस एटम को इस क्लोराइड आयन जो कि गैसियस स्टेट में है, सोडियम आयन भी गैसियस स्टेट में है और क्लोराइड आयन भी गैसियस स्टेट में है, जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl सॉलिड में। ओके, तो आप देखिए एक मेथड तो ये है कि पहले मैं Na सॉलिड को Na गैस में कन्वर्ट करूं, Na गैस को कैटायन में कन्वर्ट करूं, Cl2 को Cl एटम में कन्वर्ट करूं, देन एनायन में कन्वर्ट करूं, और फिर ये जो एनायन एंड कैटायन इन द सेम स्टेट, बोथ आर इन द गैसियस स्टेट एंड देन दे कैन फॉर्म द आयनिक सॉलिड। ये दोनों आयनिक सॉलिड बना सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा NaCl को बनाने के दो मेथड हमने बनाए हैं यहां पर, एक तो उनकी फिजिकल स्टेट में हमने उनकी रिएक्शन करा दी तो आयनिक सॉलिड बन गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। दूसरा हमने इनकी इतनी प्रोसेस करी और उसके बाद इनको एक ही स्टेट में हम ले आए, दोनों आयन्स हैं और दोनों आयन्स की जब हम रिएक्शन करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वो होती है लैटिस एनर्जी। ओके, तो उसको हमने यू से दिखा दिया। तो अब आप देखिए टोटल कितनी एनर्जी यहां पर इन्वॉल्व हुई है। टोटल एनर्जीज अगर हम देखें तो एक एनर्जी है यहां पर देखिए HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। इतनी एनर्जी का यूज है जब हम एक NaCl बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको एक लॉ बताने वाली हूं जिसको हम हैस लॉ कहते हैं, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होता है। और यहां पर आप देखिए द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व फॉर एनी अदर सेट ऑफ रिएक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हैस लॉ ने क्या कहा कि अगर एक प्रोडक्ट एक से अधिक पाथ के थ्रू बन रहा है तो एक तो कंप्लीट होगा जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी और एक और पाथ हो सकता है, दूसरे पाथ के थ्रू वो रिएक्शन हो सकती है, तो जो एक पाथ के थ्रू जो रिएक्शन होगी वो और पाथ के थ्रू जो रिएक्शंस होंगी उन दोनों में जो भी हीट ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी वो इक्वल होती है। नाउ कम टू हेयर, अब यहां आप आइए देखिए इसको हमने बोर्न-हैबर साइकिल कहा। इसको हमने बोर्न-हैबर साइकिल, कुछ आपको साइकिल से दिख रही है कि एक ये मेथड है और ये के मेथड है, तो ये एक साइकिल से दिख रही है इसलिए इसको बोर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। अब यहां पर मैंने आपसे कहा हैस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, NaCl देखिए दो पाथ के थ्रू बन रहा है, एक तो सॉलिड और गैस स्टेट में ये है तो ये डायरेक्ट बन रहा है, यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जनरेट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है,
ये तो हमने NaCl का एग्जांपल लिया है। अब दूसरा पाथ आप देख रहे हैं, दूसरे पाथ में कितने स्टेप हैं, देखिए 1, then 2, then 3, 4 and then 5। तो 5 स्टेप्स यहां पर है, और यहां पर जो एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही है वो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, देन लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सारी एनर्जी जुड़ जाएंगी, यानी ये पाथ की जो एनर्जी है 5 एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये सारी एनर्जी किसके बराबर होंगी, इस हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होंगी, यही हैस लॉ कहता है। सो अकॉर्डिंग टू हैस लॉ डेल्टा एच एफ ये किसके बराबर होगी, ये एक पाथ है, दूसरा पाथ के थ्रू कौन कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, डिसोसिएशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन ये क्या है, लैटिस एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, दिस फॉर्मूला इज फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमें इस फॉर्मूले में हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो, सब्लिमेशन एनर्जी पता हो, आयनाइजेशन एनर्जी पता हो, डिसोसिएशन एनर्जी पता हो और लैटिस एनर्जी पता हो, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। और लाइकवाइज अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता हो, डिसोसिएशन पता हो, आयनाइजेशन एनर्जी पता हो, सब्लिमेशन एनर्जी पता हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट दी लैटिस एनर्जी। तो आयनिक सॉलिड्स में ये लैटिस एनर्जी के को कैलकुलेट करने के लिए भी मेथड है, और यहां अगर हमें ये बाकी एनर्जीज पता होंगी तो वी कैन कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये यहां पर आप एग्जांपल देखेंगे जहां पर आप मेथड ऑफ डिटरमिनेशन, मैंने फिर से यहां पर एक साइकिल बनाई है और यहां पर आपको वैल्यूज दी हुई है। तो वैल्यूज क्या है, देखिए सब्लिमेशन की जो एनर्जी है 108 किलो जूल दिखाई है, आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल दिखाई है, और डिसोसिएशन की एनर्जी +122 दिखाई है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दी है, लैटिस एनर्जी भी दी है। हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, -411, ओके। -411 इज इक्वल टू क्या होगा, जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो कितनी है 108, ओके, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 496, ओके, प्लस जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी है 122, ओके, और जो लैटिस एनर्जी है वो कितनी है -0.788, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ईए कितनी आएगी, तो यहां से जो ईए कैलकुलेट होके आएगी वो होगी -349 किलो जूल, जो कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन के लिए। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन, ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें अगर ये सारी एनर्जी पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है ये मेथड। सो इन दिस वे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसान साइकिल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, क्योंकि कवर करता है आपके कुछ टॉपिक्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट इसमें मार्क्स यू कैन गेन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ दिस साइकिल, ओके। तो इस साइकिल की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो थैंक यू वेरी मच।